समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से पीडीए यानी पीड़ित दलित और पिछड़ों की यात्रा को रवाना किया। पहले चरण की यह यात्रा लखनऊ से शुरू होकर गाजियाबाद तक कुल 14 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा की रवानगी के दौरान सपा कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में पार्टी नेता और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं यात्रा को अखिलेश यादव के हरी झंडी दिखाने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पीडीए यात्रा समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती के नेतृत्व में रवाना की गई है। ये यात्रा लखनऊ से निकलकर हरदोई, सीतापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत 14 जिलों से गुजरकर गाजियाबाद तक आएगी। इस दौरान यात्रा में शामिल हुए सपा नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर संवाद करेंगे और रात में अलाव पर चर्चा करेंगे। यात्रा रवाना करने से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि इस यात्रा के समापन के बाद हम पीडीए पंचायत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब, अगड़े लोगों को जोड़कर एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जिन परिस्थितियों में आज की राजनीति जा रही है और संविधान के साथ लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में ये यात्रा संविधान को बचाने का काम करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक संविधान पार्टी भी है। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई जगह हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी दिखावा नहीं करती है, हमारे लिए पीडीए महत्वपूर्ण है और पीडीए ही भगवान है। ये यात्रा लखनऊ से लेके गाजियाबाद तक जाने का काम होगा और इस यात्रा का लगभग 14 जिले हमारे बीच में आएंगे। उन सब तमाम जिलों के अंदर देख रहे हो कितने लोग बड़ी संख्या में पीडीए के नाम पे आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज एक ताकत बनने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये पीडीए यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। ये रूट हमारा हरदोई, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए गाजियाबाद जाके समाप्त होगा। कितने दिनों तक की यात्रा चलेगी? क्या कह रहे हैं? ये 17 दिनों की यात्रा है और ये गाजियाबाद जाके समाप्त होगी। पार्टी के प्रकोष्ठ के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चल करके वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है इनकी यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा उन्हें सम्मान का रोजगार और नौकरी के अवसर देने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे।